नमस्कार ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्य हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन, टाउनशिप वासियों को 1 मार्च 2019 में योजना का लाभ देने की है मांग। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने की प्रगति यात्रा की जोरदार शुरुआत, 251 किलोमीटर यात्रा तय करना है लक्ष्य। और बीते दिनों मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरधारी नगर वार्ड के घर में मिली अधजली लाश के मामले में आया नया मोड़, क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर दिया गया था घटना को अंजाम, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने प्रगति यात्रा की शुरुआत सेक्टर 9 से शुरू की। इस प्रगति यात्रा में विधायक के साथ स्थानीय लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां जहां से विधायक की प्रगति यात्रा गुजरी, विधायक का वार्ड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक देवेंद्र यादव ने हॉस्पिटल सेक्टर में 1,30,00,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने शनिवार से प्रगति यात्रा की जोरदार शुरुआत की है। सेक्टर 9 से इस यात्रा की शुरुआत की गई। इस प्रगति यात्रा में विधायक के साथ साथ स्थानीय लोग और कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। जगह जगह से विधायक की इस प्रगति यात्रा का जोरदार स्वागत वार्ड वासियों ने किया। विधायक ने अस्पताल सेक्टर में लगभग 1,30,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बता दें, भिलाई नगर विधायक के द्वारा तिरंगा यात्रा के बाद अब 251 किलोमीटर की प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। विधायक देवेंद्र यादव लोगों के बीच जाकर मेल मुलाकात कर रहे हैं। प्रगति यात्रा के माध्यम से हर वार्ड में विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जा रहा है। इसी के तहत हॉस्पिटल सेक्टर से प्रगति यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा में काफी संख्या में लोग विधायक के साथ शामिल रहे। विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि प्रगति यात्रा के माध्यम से जनता की समस्याओं को जानने का एक मौका मिलेगा। प्रगति यात्रा के माध्यम से भिलाई में पिछले समय जो बदलाव आया है और जो काम जनता के द्वारा दिए गए हैं, उन कामों को करके इसका लोकार्पण और नए कामों जो कि पिछले समय जब हम लोग भेंट मुलाकात कर रहे थे उस समय जो विषय जनता के आए थे उनको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रगति यात्रा का उद्देश्य बस इतना है कि जन भावना का सम्मान किया जाए। घर घर पहुंचकर पिछले समय जो जनता ने हमको कहा था और उसमें क्या हम किन किन चीज़ों को कर पाए और किन किन चीज़ों को और करना है, उसकी सभी योजना बनाने के लिए हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बिजली बिल हाफ का भी लाभ टाउनशिप के लोगों को मिलने की बातें उन्होंने कही, साथ ही इसके लिए खुशी जाहिर की। देखिए, ऐसा है कि भिलाई अद्भुत है और भिलाई के लोग अद्भुत हैं। भिलाई के बहुत ही प्रबुद्ध लोगों के कारण हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई की प्रगति में सभी का योगदान रहा है और हम सब इस प्रगति यात्रा के माध्यम से भिलाई के हर एक कोने में पहुँचेंगे। जो शासन की योजनाएँ हैं, जो शासन का काम है, उसको भी बताएंगे, लोगों की भी बातें सुनेंगे, लोगों के बताए हुए कामों को जो हमने किया है उसका भूमि पूजन भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे और जो सरकार हमारी आने वाले समय में भी जो काम करेगी वो उसमें जनभावना के आधार पर सब चीज़ें बने उसके लिए भी हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। तो ये 251 किलोमीटर प्रगति के हैं, भिलाई के हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और इस यात्रा में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो जिस जगह भी जाएंगे वहाँ के स्ट्रीट के लोग और उस क्षेत्र के ही लोग रहेंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों के साथ हम मिलकर चलें, जैसा कि हमने तिरंगा यात्रा में किया था कि हर जगह स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हम चलें और वहाँ की चीज़ों को देखें, समझें और उसको आगे बढ़ें। देखिए, ऐसा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत दिल से धन्यवाद और आभार करूँगा कि टाउनशिप के क्षेत्र में जहाँ पर राज्य सरकार ये कहती थी कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता और बिजली जहाँ पर BSP देती है उस जगह पर भी कैबिनेट से ऐतिहासिक फैसला करके बिजली बिल हाफ योजना का लाभ हमारे शहरवासियों को सरकार दे रही है। ये निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात है और जहाँ तक आदरणीय पूर्व मंत्री जी का कथन या उनका धरना है तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो राजनीतिक रूप से अभी चुनाव आ गया तो निश्चित रूप से थोड़ी सक्रियता। तो ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट।
भिलाई टाउनशिप में रहने वालों को छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ 1 सितंबर से मिलने लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का लाभ बीते 1 मार्च 2019 से देने की मांग की और पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भिलाई के टाउनशिप में रहने वालों को छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ 1 सितंबर से मिलेगा, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का लाभ 1 मार्च बीते 2019 से देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें, पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सेक्टर 1 गणेश पंडाल मैदान में प्रदर्शन किया गया। हाफ बिजली बिल योजना के 80 करोड़ न मिलने के विरोध में यहाँ पर आवाज उठाई गयी। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित भाजपा के आला नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप वासियों को बिजली बिल की योजना का लाभ मार्च 2019 से मिलना चाहिए, उसको लेकर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सेक्टर 1 गणेश पंडाल में प्रदर्शन किया गया। यही पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री और विधायक द्वारा भिलाई टाउनशिप वासियों को पिछले 4.5 सालों से गुमराह करने और बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मार्च 2019 से नहीं मिलने के विरोध में विशाल धरना का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री और भिलाई के विधायक ने झूठ बोलकर भिलाई टाउनशिप के बीएसपी से संबंध घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना के लाभ से वंचित रखा और अब चुनाव नजदीक आते ही देख सितंबर 2023 से इस योजना को यहाँ लागू कर दिया। इस बारे में दोनों ने ही जनता के सामने CSPDCL को हैंडओवर करने पर ही योजना का लाभ मिल पाने का झूठ परोसा और कहा कि हमारी मांग यही है कि जब मुख्यमंत्री सितंबर 2023 से इस योजना को लागू कर सकते हैं तो प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं की तरह मार्च 2019 से क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च 2019 से योजना लागू होने पर टाउनशिप से 28,000 से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को कुल 80 करोड़ व प्रत्येक उपभोक्ता को लगभग 30,000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा, यानी उन्हें आगे लगभग 2 वर्षों तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मार्च 2019 से इस योजना का लाभ भिलाई टाउनशिप वासियों को देने की मांग की थी। आज विशाल धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्यों किया जा रहा है, किसलिए किया जा रहा है? आज ये धरना जो भिलाई के लोगों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि भिलाई के लोगों को मात्र 2 महीने का बिजली बिल हाफ योजना दी जा रही है, मुख्यमंत्री और विधायक के द्वारा षड्यंत्र करके प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ताओं को लगभग 3900 करोड़ को बोल रहे हैं कि माफ़ किया है और हमारा 80 करोड़ रुपया जो यहाँ के उपभोक्ताओं का बनता है उस उपभोक्ताओं के जो पैसा है वो लागू करें। अभी वो 1/9/2023 से दे रहे हैं, हमारी मांग है कि 1/3/2019 से दें, जो भिलाई के लोगों का अधिकार है। इस तरीके से पिछले समय से लगातार झूठ बोल रहे थे मुख्यमंत्री विधायक कि यहाँ के लोगों को तब तक ये सुविधा नहीं मिल सकती जब तक CSPDCL को टाउनशिप की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन अभी भी BSP का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हुए मात्र हमें 2 महीने का क्यों दे रहे हैं जबकि बाकी लोगों का 1 मार्च 2019 से दे रहे हैं। हमारी यही मांग है, हम मुख्यमंत्री से और पूरे लोगों से जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि भिलाई के प्रत्येक उपभोक्ता का जो उनका हक है पिछले समय 400 यूनिट तक बिजली आपका वो उन्हें दें। प्रगति यात्रा कर रहे हैं देवेंद्र यादव, किस तरीके से देखते हैं? भिलाई की जो दुर्गति हुई है उस दुर्गति को देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएंगे जिस तरीके से 21 सीट पर जो है भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, क्या माना जाए कि प्रत्याशी घोषित क्यों किए गए, क्या कमजोर सीट थे इस कारण से वो प्रत्याशी घोषित कर दिए गए? देखिए, ये चुनाव की रणनीति है, हर पार्टी जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाती है और रणनीति किसी को बताई नहीं जाती। आपका सीट कब तक फाइनल कर दिया जाएगा?
ये हम नहीं जानते हैं। रणनीति बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हर दृष्टि से सक्षम है। देखिए, निरंतर भिलाई के अंदर झूठ परोसा जा रहा है और झूठ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पिछले विधानसभा से लेकर अभी तक, चाहे लीज का मुद्दा हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की नौकरी की बात हो, और अभी बिजली बिल को लेकर भी एक नया झूठ बोला गया कि 1 सितंबर से बिजली बिल का जो हाफ का जो लाभ है वो भिलाई टाउनशिप और बीएसपी उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। हमारा ये मांग है कि जब ये 2019 से इसे लागू किया गया तो उस समय से ये लागू क्यों नहीं किया गया इस बीएसपी टाउनशिप में। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा दिखती है। और ये 2 महीने का जिस तरीके से ये लॉलीपॉप पूरे छत्तीसगढ़ में देने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से इनका इस भिलाई के अंदर भी निरंतर ये प्रयास है। चाहे हाउस लीज की बात हो, चाहे 2 वक्त साफ पानी की बात हो, और अब बिजली की भी, जो बेसिक नीड है जो लोगों की, घर, पानी, बिजली, उस पर ये धोखा कर रहे हैं। और तो और इनके जो पार्षद हैं वो चावल का भी घोटाला कर रहे हैं। तो ये सभी आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। और ये जो धरना प्रदर्शन और ये जनसलाब इस बारिश में भी और इस कड़कती धूप में भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसका ये परिचात्मक है कि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं भिलाई का परिवर्तन का एक धरना है। भिलाई को शिक्षा दानी कहा जाता है, बहुत ही शिक्षित लोग हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग भेष बना बना कर लोगों को गुमराह करते हैं। कभी बेटा बन जाते हैं, कभी भतीजा बन जाते हैं, किसी का पैर छू लेते हैं। तो ऐसे बहुरूपियों को अब भिलाई की जनता धीरे धीरे पहचान रही है। और 5 वर्ष महापौर कार्यकाल के भी हो गए और 9 वर्ष, 9.5 वर्ष विधायक कार्यकाल, पूरे 9.5 साल हो गए। इन 9.5 साल में अगर कुछ बड़ा है, अगर कोई प्रगति हुई है, तो उनकी खुद की प्रगति हुई है, भिलाई की प्रगति नहीं दिखती। बहरहाल देर तक चले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के आला नेता शामिल रहे। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सद्भावना दिवस पर जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म तथा भाषा भेदभाव के बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना से कार्य करने की शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इसी कड़ी में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने निगम सभागार में अधिकारी एवं कर्मचारियों को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म तथा भाषा भेदभाव के बिना भारतवासियों की भावना एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने का शपथ दिलाया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव ये बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता एवं सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। स्वर्गीय सरदार हरमिंदर सिंह होरा जी पप्पू भैया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। कर्मयोगी, साहसी, निष्ठावान व्यक्तित्व जिनके स्नेह, त्याग व पुरुषार्थ से हमें मार्गदर्शन मिला है। हमारे कर्म क्षेत्र में हर पल उनकी सूक्ष्म प्रेरणा हमें नई राह दिखाती रहे। उन्हीं भावना के साथ आपको सत सत नमन। श्रद्धा वनत सरदार गुरुचरण सिंह होरा,
चेयरमैन ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़ सरदार तरनजीत सिंह होरा, एमडी ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़, ग्रैंड ग्रुप ऑफ होटल्स व ग्रैंड न्यूज ग्रुप परिवार छत्तीसगढ़। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्तरोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। टेंशन ना लो, शिवा लो। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामधस साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरूनगर भिलाई, कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई है। रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक शनिवार को हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस भवन में शनिवार को पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस 75 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, यही हमारा लक्ष्य है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि कांग्रेस की पहली लिस्ट 6 सितंबर तक आ जाएगी। शैलजा जी बोलेंगे, हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में। उसके बारे में हम चिंता कर दिया, प्लान कर दिया, वी हम जीतेंगे बिल्कुल। थैंक यू। हमारी पीएसी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हमारी दूसरी कमेटियां भी गठित हुई हैं, उनका भी कार्य सुचारू रूप से चले, उनकी भी मीटिंग अब रेगुलर ढंग से होंगी। आगे का हमारा कार्यक्रम जो नीचे जमीन से लेकर बूथ से लेकर चल रहा है वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स सीनियर ऑब्जर्वर हमारे प्रीतम सिंह जी उत्तराखंड से, और 11 के 11 संसदीय क्षेत्रों के 11 ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो अपना कार्य करेंगे जमीन पर जाकर लोगों के साथ, वो अपना कार्य करेंगे, उनकी भी मीटिंग हुई है। और आगे का कार्यक्रम इस तरह से होता रहेगा, जैसे जैसे हमारे कार्य होंगे, हमारी मीटिंग होंगी, हम आपसे, आप जानते ही हैं मीडिया से हम कभी छुपाते नहीं हैं, आपसे रूबरू होते रहेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात आपसे शेयर करना चाहेंगे, हमारे वरिष्ठतम नेता छत्तीसगढ़ में हमने उन्हें न्योता दिया है, और मुझे खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 2 तारीख को राहुल गांधी जी रायपुर में आएंगे, उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग क्या हम सम्मेलन करेंगे, जो हमारे युवा हैं वो राहुल गांधी जी की ओर देखते हैं, क्योंकि देश में आज जो हाल हो गया, उम्मीद की किरण देश के युवा को केवल राहुल गांधी जी में नजर आती है। तो जो हमारे मितान युवा, उनका सम्मेलन एक हम करेंगे, और राहुल गांधी जी युवाओं से मिलना पसंद करते हैं आप जानते हैं, तो वो एक सम्मेलन हमारा होगा 2 तारीख को। इसके पश्चात 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, 8 तारीख को फिर से हमने उन्हें न्योता दिया है, वो आएंगे। और उनका कार्यक्रम है 8 तारीख को, उनका कार्यक्रम है, और इसके पश्चात और नेता भी आएंगे। प्रियंका जी को भी हम न्योता दे रहे हैं, और ये नेता फिर आएंगे, और पूरे राज्य में बहुत डिमांड आ रही है। मुश्किल ये है कि समय कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है इन नेताओं की, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं 2 तारीख को। जैसे पहले प्रियंका जी भी आई, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, 2 तारीख को फिर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और 8 को फिर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे आगे कार्यक्रम बनते जाएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। उदय महाविद्यालय एवं उदय पब्लिक स्कूल जामुल में 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वार्ड 14 की पार्षद कविता विश्वाल, उदय ग्रुप के निदेशक डॉ. टी.आर. साहू, डॉ. अलीपा साहू, श्रीमती अंजना राजवीर सिंह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। भारत माता की जय एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जय घोष से पूरा प्रांगण गूंज उठा। छात्र छात्राओं द्वारा समूह गान, नृत्य, भाषण आदि प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक टीआर साहू ने विद्यालय के नौनिहालों से अनुरोध किया कि वे अपने दायित्व को पूर्ण कराने का संकल्प करें, तभी भारत का स्वर्णिम सपना सत्य होगा। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं।
वतन है प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक, आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में, आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइन, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड गंजपारा दुर्ग, कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के गिरधारी नगर वार्ड में यादव परिवार के घर में महिला की मिली अधजली लाश का दुर्ग पुलिस ने पता साझी कर 3 लोगों को किया है हिरासत में, जहां मोहन नगर थाने में आरोपियों से अभिरक्षा में पूछताछ की जा रही है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरधारी नगर में कोस्टा तालाब के पास एक यादव परिवार के घर में
एक महिला अधजली लाश का पता दुर्ग पुलिस ने लगा लिया है, जिसके चलते दुर्ग पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर अभिरक्षा में पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जिस लाश का पुलिस पता लगा रही थी वह लाश एक बुजुर्ग महिला की बताई गई थी। वहीं बता दें कि पुलिस सूत्रों से इसमें मुख्य रूप से घटना को अंजाम देने 3 आरोपी शामिल थे। इसमें दुर्ग मोहन नगर थाना पुलिस को 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है, जिसमें एक महिला सुप्रिया यादव व 2 पुरुष उमेश साहू प्रदीप जंघेल शामिल हैं। इनके कब्जे से दुर्ग पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। दुर्ग मोहन टेक गौरतलब है कि मोहन नगर थाना क्षेत्र के विधायी नगर में एक यादव परिवार के घर मिली अधजली लाश का पता लगाना मोहन नगर पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ था, क्योंकि जिस घर में ये अधजली लाश मिली थी वह लाश उस परिवार या उस घर के रहने वालों में से किसी की भी नहीं है। बता दें कि जब पुलिस ने जाँच किया तो पाया कि यादव परिवार के घर की महिला सुप्रिया यादव, जिसके पति भूपेंद्र यादव हैं जो कि ब्यूटी पार्लर का काम करती है, और उसका गंडई नगर के किसी डॉक्टर से प्रेम संबंध है, उसी डॉक्टर ने एक डेड बॉडी लाकर गिधाई नगर वाले घर में जला दी, जिससे कि महिला जो कि पिछले 4 दिनों से गुमशुदा थी उसको मृत समझा जाए और वह अपने आगे का जीवन अपने बचपन के प्रेमी डॉक्टर के साथ गुजार सके। अब मोहन नगर थाना पुलिस ये पता लगाने में लगी हुई है कि जलाई गई लाश किसकी थी। पति और प्रेमी के अलावा कोई और चौथा व्यक्ति तो इनके बीच नहीं था, जिसे गंडई के संदेही डॉक्टर ने मारकर जला डाला हो। फिलहाल दुर्ग पुलिस आसपास के थानों की मदद से राजनांदगांव, गुंडरदेही, बालोद तक जानकारी इकट्ठा कर रही है। पुलिस और भी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर की गई इस घटना पर अपराधी सवालों के घेरे में है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।